News 18, India. और एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल तक जवाब देना है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल यानी शनिवार को अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया था। न्यूज 18 इंडिया के पास अरविंद केजरीवाल को दिए नोटिस की कॉपी भी है। ये उसी कॉपी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अरविंद केजरीवाल को कल तक देना है इस मामले का जवाब। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव कॉपी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया था और अब उसका जवाब कल तक सौंपना है। हालांकि दो बार क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, लेकिन दोनों बार में एक बार भी क्राइम ब्रांच की टीम की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से नहीं हुई और कल जाकर अरविंद केजरीवाल के स्टाफ को जो है ये कॉपी दी गई है। लेकिन अब जवाब क्या देंगे अरविंद केजरीवाल, इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। ये ठीक उसी तरीके से हो रहा है जैसे ईडी के पांच पांच समन्स का भी अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया और ये क्राइम ब्रांच की टीम ने जो पत्र दिया है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल को शनिवार को ही ये नोटिस दिया गया था और इस नोटिस का जवाब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है। तो देखिए ईडी की तरफ से एक तरफ पांच समन्स अब तक जारी किए जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई क्योंकि ईडी जो है वो अब तक पांच समन्स दे चुकी है लेकिन केजरीवाल जो है ना तो पहुंच रहे हैं पूछताछ के लिए। अब ये खैर पूरा मामला जो है राज रेवेन्यू कोर्ट तक पहुंच चुका है और दूसरी बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों को नोटिस दिया जा चुका है और ये जो नोटिस आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी उसका जवाब दीजिए। और इस बीच दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूल के उद्घाटन के मौके पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग मेरे उनके पीछे कई लोग पड़े हैं लेकिन मैं झुकने वालों में से नहीं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि इस नोटिस के बाद या ईडी के समन्स के बाद जब सार्वजनिक मंच पर अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं तो तेवर वही होता है, लहजा वही होता है। वो कहते हैं कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं लेकिन मैं झुकने वालों में से नहीं हूं, मैं नहीं झुकने वाला हूं। तो देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, लेकिन कल तक का वक्त का इंतजार करना होगा क्योंकि जिस वीडियो और जिस ऑडियो की बात लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है क्या उसका कोई प्रूफ दिया जाएगा। आज ये लोग हमारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते हो, मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में डाल दिया बचाओ, कह रहे हैं उसने भ्रष्टाचार करा है। सवेरे 6 बजे उठ के वो स्कूलों के चक्कर काटना चालू करता था, सवेरे 6 बजे उठ के वो 10 या 15 स्कूलों में मुआयना करने जाता था बच्चों को ठीक शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही। कौन भ्रष्टाचारी स्कूलों के अंदर चक्कर लगाता है बताओ? भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, गलत काम करता है सारे। कौन भ्रष्टाचारी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर लगाएगा? आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं, सारी एजेंसी छोड़ दी केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतेंद्र जैन, उनका क्या कसूर है? मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। तो देखिए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मेरे पीछे सब पड़ गए हैं, सारी एजेंसीज मेरे पीछे डाल दी गई है, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से जांच में शामिल होने की मांग की है। उनका कोई सांसद या उनका कोई मंत्री जब अपना जेल जाने वाला होता है या वो किसी भ्रष्टाचार में आ जाते हैं तब तब ये हमारी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं और ये सारी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी जब इनके घर जाते हैं तो वहाँ पर ये अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। ना अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं नोटिस, ना आतिशी ले रही है कि आम आदमी पार्टी ऐसे आरोप केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए लगाती है। इनमें कोई भी सच्चाई होती तो वो सामने आते और वो नोटिस का जवाब देते और वो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते, मगर इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। तो
विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले की जांच लगातार तेज हो चुकी है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के स्टाफ को नोटिस भेज दिया है। नोटिस देने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम हालांकि वहां से निकल गई। क्राइम ब्रांच के नोटिस का आतिशी को कल तक जवाब देना है। और इससे पहले दिल्ली पुलिस की टीम आज सुबह 9:55 पर आतिशी के घर पहुंची थी और आतिशी को ही नोटिस देकर जाना चाहती थी, लेकिन आतिशी का करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद भी वो मिले। देखिए, आतिशी का करीब 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस आतिशी के स्टाफ को दिया, जो बताया जा रहा है कि आतिशी के जो ओएसडी हैं उनको दिया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 9:55 पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची आतिशी के घर पर। हालांकि हमने तस्वीर देखी, एक बार अंदर गई, मुलाकात की, बैठी, फिर बाहर आई और फिर थोड़ा इंतजार किया, फिर 3 घंटे बाद जो है ओएसडी को नोटिस दिया गया।